ओमिक्रॉन का साया भारत पर है छाया। जी हाँ, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश में लगी हुई, लेकिन हर बार कोविड का नया वेरिएंट आ जाना अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस नए वेरिएंट के संक्रमण के कहीं ना कहीं विदेशी यात्रा से कनेक्शन है, इसलिए कई देशों के एयरपोर्ट पर सख्ती और ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। इस बीच संक्रमण से बचने के लिए कई देश यात्रा प्रतिबंध भी लगाना चाहते हैं। दरअसल वायरस के इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से आ रहे संक्रमण के मामलों को देखें तो इन देशों में वायरस काफी तेजी के साथ फैल रहा है। रिपोर्ट की माने तो पूरे विश्व से आने वाले मामलों का 50% हिस्सा केवल ब्रिटेन से आ रहा है। दरअसल ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 37,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इन देशों के अलावा जिन अन्य देशों ने ओमिक्रॉन मामलों की सूची दी है उनमें कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, नीबिया, बोस्वाना और भारत शामिल है। वहीं नए साल और क्रिसमस की छुट्टियों पर विदेश यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों के लिए जानना जरूरी है कि ओमिक्रॉन के डर के बीच किन देशों ने क्या प्रतिबंध लगाए हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये आपको बता दें कि ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के देश में 213 मामले सामने आ चुके हैं। किन देशों में ट्रैवल बैन है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अलर्टनेस जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे वो भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, चाहे वो बस स्टॉप हो, एयरपोर्ट हो, यहाँ पर लगातार जो ट्रैकिंग है वो बढ़ा दी गई है। तो किन देशों में ट्रैवल बैन है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, इसके अलावा और भी देश है जहाँ पर ट्रैवल बैन है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इजराइल। तो जानबूझकर भारत ने इन देशों जो ट्रैवल है वो बैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि दूसरी लहर में जो हालात हुए थे वैसे हालात भारत में एक बार फिर से देखने के लिए मिले। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो देश में ओमिक्रॉन के मामलों में अब तक जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, 220 ये संख्या बताई जा रही है फिलहाल। वही केंद्र सरकार ने बढ़ती ओमिक्रॉन मामलों पर चिंता जताई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के सतम के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिवों ने राज्यों के मुख्य सचिवों को खत लिखा जिसमें ओमिक्रॉन की रोकथाम को लेकर कदम उठाने को कहा गया है। वहीं इस खत में कहा गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, साथ ही वेरियंट ऑफ कंसर्न यानी कि ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा खत में क्या क्या कहा गया है चलिए वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो खत में क्या लिखा गया है, मौजूदा वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। इसके अलावा डेल्टा अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है, इसलिए स्थानीय और जिला स्तर पर और भी अधिक दूरदर्शिता, डेटा विश्लेषण, तुरंत फैसले और सख्त और तेज नियंत्रण कार्रवाई की जरूरत है। राज्य और जिला स्तर पर तेजी से फैसले लेने होंगे। दूसरा, जिला स्तर पर कोविड 19 से प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक प्रसार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे और कंटेनमेंट जोन की लगातार समीक्षा होनी चाहिए। ये काम जिला स्तर पर ही प्रभावी फैसले लेने का आधार होना चाहिए। खत में कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू, शादी सभाओं, अंतिम संस्कार, दफ्तरों और सार्वजनिक परिवहनों में लोगों की संख्या को सीमित करना होगा। इसके अलावा सभी क्लस्टर नमूने बिना किसी देरी के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए INSACOG लैब्स को भेजे जाने चाहिए। ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार टेस्टिंग और घर घर जाकर मामलों की खोज करनी होगी। इसके अलावा लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो नमूने हैं उनमें बिना किसी देरी के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए INSACOG लैब्स को भेजे जाने चाहिए ताकि इसकी चर्चा तुरंत हो सके। वहीं ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार टेस्टिंग और घर घर जाकर मामलों की खोज भी करनी ज़रूरी है। वहीं अगर आगे इस खत की हम बात करें तो बहुत सारे यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखे खत में बेड क्षमता को बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक बीमारियों को लाने ले जाने की व्यवस्थाओं करने, ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता, दवाओं के बफर स्टॉक रखने को कहा गया है। तो ये खत में लिखा गया है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको लेकर आगे फिर काम करना होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन की कवरेज बढ़ानी होगी, उन जिलों पर खास ध्यान देना होगा जहां पहली और दूसरी खुराक का कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है।
तो खुराक बढ़ानी होगी ताकि अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता भी है तो आबादी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो ताकि इस ओमिक्रॉन से लड़ने की क्षमता जो इम्यूनिटी है लोगों की वो बेहतर हो सके। तो तेजी से संक्रमण फैलाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर में कुल 200 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 57 मामले दिल्ली में हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में आधे से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। भारत ने आज कोरोना वायरस संक्रमण में 18% की वृद्धि भी देखी है। अब देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3.47 करोड़ हो गई है। ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कौन कौन सी वो जगह हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कितने केसेस हैं, ये जानना भी ज़रूरी है ताकि जो राज्य के लोग हैं वो अलर्ट हो सकें। तो ओमिक्रॉन के 213 केसेस बताए जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली में 57 केसेस हैं और महाराष्ट्र में 54 केस बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में 24 केस, कर्नाटक में 19 मामले हैं, राजस्थान में 18, केरल में 15, वहीं गुजरात में 14, जम्मू कश्मीर में 3 केस, ओडिशा में 2, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 1 केस है, चंडीगढ़ में भी 1 केस बताया जा रहा है, लद्दाख में भी 1 मामला है, तमिलनाडु में भी 1 केस बताया जा रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी 1 केस बताया जा रहा है। तो ओमिक्रॉन का खतरा किस तरह से बढ़ रहा है वो आपने इस पूरी खबर में जाना है। कितने इलाकों में कितने मामले हैं ये आपने जाने हैं। देखिए, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी इससे कहीं ना कहीं बहुत दूर हैं, वो राज्य दूर ही रहें ये बेहतर होगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट होकर इस पर नज़र बनाए हुए है। जिन जिन राज्यों में मामले मिले हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैनी निगाह है, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, केरल हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, ओडिशा हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, या फिर चंडीगढ़ हो, या लद्दाख या तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सतर्कता है वो देखी जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र गौतम मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी अब मामला देखने के लिए मिला है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 मामले सामने आए हैं और वो जो 2 मामले सामने हैं, दरअसल वो दोनों जो लोग हैं वो मुंबई से आए थे और मुंबई के बाद जयपुर से कार से होते हुए गाजियाबाद पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और जब उनका टेस्ट कराया गया तो उनको ओमिक्रॉन का खतरा मिला, जिसके बाद उन दोनों को आइसोलेट कर दिया गया और लगातार उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी यहाँ पर ये है कि जिस तरह से गाजियाबाद में दस्तक दी गई है उसके बाद अगर प्रशासन की बात की जाए तो लाख दावे किए जा रहे हैं, लाख इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो जो दावे हैं इंतजाम है सिर्फ कागजों पर हैं। अगर बात की जाए जमीनी स्तर की तो वहाँ पर अभी भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं कि अगर कोई भी एक पेशेंट इस तरह का आता है जिसकी जाँच नहीं हुई है लेकिन उसको ओमिक्रॉन है तो कहीं ना कहीं वो बहुत से लोगों को अपने साथ संक्रमित कर बैठेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि अभी आपने बताया कि लापरवाही देखी जा रही है, जो कि सतर्कता है वो सिर्फ कागजों में देखी जा रही है, यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार भी जो प्रशासन है सख्त नहीं है, हालात दूसरी लहर जैसे हो सकते हैं ये समझने के लिए लोग तैयार क्यों नहीं है और प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए हालात इस तरह के जिस तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं, जैसे भी 4 दिन पहले अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 28 केस थे लेकिन अभी आपने खुद बताया कि 57 केस हो चुके हैं। वही डॉक्टरों का कहना है कि अगर इनकी पूरी तरह से जांच की जाए, अगर हर एक व्यक्ति की जांच की जाए तो इन आंकड़ों को आप 30 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो आंकड़े निकल कर जो टेस्टिंग है वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। सिर्फ कहा जा रहा है कि टेस्टिंग बहुत तेज स्तर पर हो रही है लेकिन हकीकत ये है कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। जी बिल्कुल, टेस्टिंग बहुत ज्यादा कम है, जिस तरह से जो ओमिक्रॉन बड़ा है, बड़ी तेजी से बड़ा है, उसकी यही नतीजे हैं कि सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही ये निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि उनकी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेस्ट कराने के लिए इच्छते हैं नहीं जा पाते हैं और जो बीमारियां होती हैं उसको घर में ही इलाज कराने की वो सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे खतरा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि प्रशासन ने जिस तरह से दावे किए थे कि हमने जो है सारी चीजें कर दी हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर गाजियाबाद की अगर बात मानी जाए या फिर तमाम देश की बात मानी जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो ओमिक्रॉन है वो अपनी पीक पर होगा और उस वक्त उस तरह की तबाही मचेगी जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी। जी बिल्कुल जितेंद्र, और कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर्स की हम माने या विशेषज्ञों की माने तो वो भी लगातार चेता रहे हैं कि
जो सरकारें हैं, जो देश है, उन्हें अलर्ट होने की जरूरत है। अगर जितेंद्र बात करें गाजियाबाद की, तो यहाँ पर जागरूकता कैसी देखी जा सकती है, क्योंकि आप लगातार फील्ड में बने रहते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं क्या वहाँ लोग अलर्ट हैं, क्या ओमिक्रॉन के बारे में लोगों को पता है, क्योंकि कोरोना के डेल्टा वेरियंट या कोरोना के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोगों को ये तो पता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, लेकिन वो किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, सरकार उसके लिए किस तरह से बंदोबस्त करी है जिससे लोग बच सके, इसके लिए वो अनजान है। अगर बात की जाए जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है 8 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या काम किए हैं, स्कूल में जिस तरह से बच्चे जा रहे हैं क्या वो लगातार सैनिटाइज उनको किया जा रहा है, क्या उनकी जो जगह है जहां पर वो बैठते हैं क्या उसको लेकर 2 गज की दूरी की नियमित मनाई गई है या नहीं है, ये तमाम ऐसी चीजें जो सरकार की और गाजियाबाद प्रशासन की पोल खोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरह से लगातार, अगर 2 दिन पहले ही लोनी में एक जनसभा हुई थी जिसमें नंद किशोर गुर्जर जी ने की थी, उसमें लगभग 5 से 7 हजार लोग एक साथ इकट्ठा हुए, लेकिन वहां प्रशासन उस वक्त कहां गया था, क्या वहां पर उस वक्त प्रशासन को यानी जितने कहा जा सकता है कि चुनावी रैलियों के आगे ओमिक्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है किसी को भी, ना ही इन नेताओं को, ना ही आम जनता को दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। तो ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि अब भारत में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में राजनेता भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि रैलियों के बावजूद भी जो नेता हैं, जो आम जनता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसका खतरा कितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर स्टडीज़ की हम बात करें तो जब इस पर स्टडीज़ की गई है तो ये निकल कर सामने आ रहा है कि ओमिक्रॉन अगर एक व्यक्ति को है तो वो बाकी 28 से 30 व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। डेथ रेशियो अभी कहीं ना कहीं इसमें शून्य है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये डेल्टा वेरियंट से मिलता है तो फिर ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सरकार को और कड़े नियम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में अभी क्रिसमस का त्यौहार है, उसके बाद फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में लोग निकलते हैं। डॉक्टर जेपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो और किस रूप में देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करती हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? तो ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि लोग अलर्ट होने के साथ साथ लापरवाह भी हो रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने डेल्टा वेरिएंट में अपनों को खोया था वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर अलर्ट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाह हैं, जो अभी भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूमने के साथ साथ 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही डेल्टा वेरिएंट खत्म हुआ था लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, लोगों को लगा था कि अब कोई वेरियंट नहीं आएगा, लेकिन ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है।